हेलो दोस्तों, हम खड़े एवरग्रीन नर्सरी मयूर विहार में। मैं आज जो प्लांट्स लेकर आया, सेवन प्लांट्स लेकर आया हूँ न्यू बिगिनर्स के लिए, जो बिल्कुल नया ना अपने गार्डनिंग स्टार्ट करना चाहते हैं और कोई आइडिया नहीं है कौन सा प्लांट लगाए कौन सा नहीं लगाए। मैं आपको पहला प्लांट दिखाता हूँ, स्नेक प्लांट। स्नेक प्लांट इजी टू मेंटेन है, ऑल वेदर प्लांट है। इस प्लांट को आप मिट्टी में भी ग्रो कर सकते हैं और पानी में भी ग्रो कर सकते हैं। आगे चल के धीरे धीरे ये अपने बेबीज ग्रो करता है, उन बेबीज के साथ आप इस प्लांट को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी एक ही प्लांट से आप 10 प्लांट, 20, 50, 100 प्लांट्स बना सकते हैं। बहुत अच्छा प्लांट है, लो मेंटेनेंस प्लांट है, ऑल वेदर प्लांट चलेगा। नेक्स्ट प्लांट मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ये है मनी प्लांट। मनी प्लांट कहते हैं इसके पीछे, मुझे नहीं पता क्या मिथ है, बट हाँ अगेन ये बहुत सारी वराइटीज में आता है। बहुत अच्छा प्लांट है, लोग कहते हैं इसको आप मल्टीप्लाई इस प्लांट को भी कर सकते हैं। नेक्स्ट प्लांट है हमारा जेड प्लांट, इसको चाइना में इसको क्वाइन प्लांट कहते हैं। अब इसके पीछे क्या मिथ है, मनी अट्रैक्टेड प्लांट भी कहते हैं, शायद इसलिए इसको चाइना में क्वाइन प्लांट प्लांट कहते हैं। अगेन ये जेड प्लांट के डंडी काट के इसको भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बहुत सारे प्लांट्स के साथ ग्रो कर सकते हैं एक ही प्लांट खरीदने से। तो इसलिए जाहिर सी बात है शायद यही मिथ होगा कि ये मनी अट्रैक्टेड प्लांट है, क्योंकि हम जब एक ही प्लांट ले लिए तो नए प्लांट के लिए, सेम प्लांट के लिए हमें पैसा नहीं लगाने की जरूरत पड़ेगी, यानी खरीदना नहीं पड़ेगा। उसके बाद हमारे गुडेल, गुडेल आप मेरे पास देख रहे हैं बहुत सारी वैरायटी में अवेलेबल होता है। और आपको एक अच्छी चीज बताऊं, अगेन जैसे मैं जितने भी प्लांट्स आपको दिखा रहा हूँ बता रहा हूँ कि आप सारे प्लांट्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यहाँ से आप स्टेम काट के अगेन इस प्लांट को दोबारा आप ग्रो कर सकते हैं, बहुत सारे बना सकते हैं। लो मेंटेनेंस प्लांट है, ऑल वेदर प्लांट है। हाँ, इसके साथ एक रिलीजियस भी एक बात जुड़ी हुई है कि ये माता रानी को, माँ काली को इस फूल का सुखाने के बाद सिंदूर बना के माता को सिंगार सिंदूर लगाया जाता है। तो शायद ये प्लांट भी बहुत अच्छा प्लांट है, यदि आप लेंगे तो मैं आपको जरूर एक ये एडवाइस करूंगा लेने की। नेक्स्ट है स्नेक प्लांट, सॉरी सॉरी ये स्पाइडर प्लांट है, स्नेक प्लांट वो था। अगेन ये देखिए, इस प्लांट के अंदर जैसे ही फूल आने लगते हैं आप इस प्लांट को यहीं से इधर से काट के स्टेम लगा के दोबारा से इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगेन एक बार लेना है, बार बार मल्टीप्लाई करेंगे, बहुत सारे आप इसको अपने पॉट्स में इसको लगा सकते हैं। चंपा, चंपा आपने बहुत जगह देखा होगा, रोड पे देखा होगा, जब आप चलते हैं फुटपाथ के बीच में देखोगे बहुत सारे चंपा की, बहुत सारी वैरायटियां होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में इसमें फ्लावर्स आते हैं, ऑल वेदर है। आप एक बार लगाइए इस प्लांट को, भूल जाइए भूल जाइए, अगर इस प्लांट को कुछ हो जाए तो। बस समय पे पानी खाद जो है जैसे सभी प्लांट को देने वो बहुत जरूरी है। अगेन है फाइकस, आगे आता है फाइकस हमारा। फाइकस के पास दो वैरायटी है, ये वाला फाइकस तो आपने बहुत जगह देखा होगा, इसकी बोनसाई मेरे पास सैम्पलिंग अवेलेबल थी अभी नर्सरी के अंदर, तो मैं आपको वो दिखा रहा हूँ, इसकी बोनसाई बनती है। अगर आप धीरे धीरे एक्सपीरियंस एक्सपर्ट हो जाएंगे तो आप बोनसाई भी बना सकेंगे इसका। ये है स्टार लाइट फाइकस, इजिली अवेलेबल नहीं होता दोस्तों, ये हमें एवरग्रीन नर्सरी मिला है। देखिए इतना सुंदर फूल है, डबल शेड में इसकी पत्तियां रखी है, बहुत सुंदर प्लांट है। अगेन इसको भी आप यहाँ से कटिंग करके इसकी डंडी की मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा इसको ग्रो कर सकते हैं। लो मेंटेनेंस प्लांट है दोस्तों, मैं एक चीज तो आपको ये बताता हूँ, जितने मैंने आपको 7 प्लांट ये सजेस्ट किए हैं आप हमारे कहने पे लगाइए। न्यू बिगिनर्स जो है, जो एक्सपीरियंस होल्डर है, ऑलरेडी जानते हैं कि जो प्लांट्स हम सजेस्ट किए बहुत बेस्ट प्लांट सजेस्ट किए हैं। अगर आपके प्लांट्स को नहीं चल पाए तो आप हमें कमेंट कीजिए, हम ये प्लांट आपको फ्री में आपके यहाँ पर डिलीवर कराएंगे दोस्तों। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।